हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गणपति जी का पांचवा दिन है, आज लास्ट याद है। सुबह मैं आ गई हूँ, बाबू लोग को भी लेके आई हूँ। दोनों देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं, धो नहा धो के आया है। सुबह की आरती में कम ही लोग आ पाते हैं। मैं जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करके पूजा करके नहाई, दोनों को नहलाई और चली गई। बर्तन तो मैं की ही नहीं थी, रात से ही मेरा बर्तन पड़ा हुआ था, क्योंकि रात में भी इतना डांस भजन और सदावन का पूजा सब होते होते मैं इतना थक गई थी कि सिर्फ खाना खा के सो गई। मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा था कि बर्तन करके सो, किचन साफ करके, मुझसे नहीं हो पाया। सुबह भी उठी तो इतना जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा कि 9 बजे ही आरती रहता है ना, तो नहीं हो पाए। तो मैं बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आरती से आती हूँ तो करूंगी। तो फिर आरती से आके की, अब जल्दी खाना भी बना लूँ क्योंकि आज विसर्जन है, फिर नीचे भी जाना है। बहुत हो जाता है, आप दोनों को रेडी कीजिए, खुद रेडी होइए, फिर जाइए। इतना ये गणपति के टाइम इतना साड़ी निकला है ना, डेली साड़ी ही सब बोलते हैं, पहनो साड़ी पहनो, सूट भी साड़ी भी सब कपड़े निकल निकल के इतना हो गया है। बर्तन बहुत जमा हो गया था, कल का ही था ना। नहीं, हिम्मत हो रही थी, मैं ऐसे कर लेती, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि करके सो, क्योंकि जैसे आई ना, बाबू भी रोने लगा था, बहुत जिद पसार दिया था। मतलब वो भी वहाँ पे गर्मी भी था और फिर प्रोग्राम में उसको पकड़ पकड़ के रखती थी ना, तो उसको नहीं अच्छा लग रहा था। उसको मन क्या था कि पूरा उसको मैं छोड़ दूँ और वो आराम से घूमे फिरे, सबका डांस के आगे में आ जाए। अभी खाना में सोची धनिया पत्ता का चटनी और भजिया, दाल फूलने दी हूँ, मसूर दाल फूलने दी हूँ ना, भिगो के रखी हुई मसूर दाल को, उसका भजिया बनाऊंगी और धनिया पत्ता का चटनी। ये धनिया पत्ता बहुत अच्छा है, गांवटी है, मतलब एकदम छोटा छोटा पत्ता है, इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बड़े पत्ते का चटनी उतना टेस्टी नहीं होता जितना ये छोटे पत्ते का टेस्टी होता है। इसको भी साफ नहीं की थी, लाई थी अभी, मतलब शाम में ही लाई थी, तो फिर रख ही दी थी। मैं बोली ना कुछ काम ही नहीं हो पाता है अभी, ये वो मतलब सुबह शाम नीचे जाने में रेडी होने में घर का काम उतना अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है। वही मैं अभी बोल सोची क्या, दाल भिगोई हूँ ना, उसका भजिया, दाल चावल और चटनी। तो ये देखिए धनिया पत्ता टूट गया, कितना फ्रेश है, बहुत फ्रेश है, देख के ही मुंह में पानी आया था। मुझे तो लगा था कितना जल्दी मैं चटनी बना के टेस्ट करूं। इसमें मैं 2 हरी मिर्ची और राई और आमला दे रही हूँ, नींबू नहीं दूंगी, नींबू आमला डाल के चटनी बना रही हूँ। देख रहे हैं, ये तो मुझे एडिटिंग करने ही नहीं देते। मैं जब भी आऊंगी, ये तो सोता भी नहीं है ना, जो लोग बच्चे सोए तो लोग कुछ करे, इसीलिए मेरा वीडियो इतना वीडियो बना रहता है, लेकिन मैं एडिटिंग ही नहीं कर पाती क्योंकि ये आके मुझे इतना परेशान करेगा। मैं बोली कि अभी चलो क्या करूँ, अभी डालना जरूरी है क्योंकि इतना दिन हो गया ना, तो फिर मैं सोची कि अभी मैं एडिटिंग कर ही लेती हूँ। मानव नहीं सुनता है, बहुत मस्ती करते हैं। ये चटनी का ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है, आप भी बनाइएगा। मैंने क्या सब दिया, धनिया पत्ता, 2-4 लहसुन की कली और वही काली सरसों, 2 हरी मिर्च और 1 आंवला। इसको धो के काट के डाल दी, मैं एक दो बार मिक्सर चला के फिर आंवला काट के डाली ना, तो इससे क्या होगा कि धनिया मतलब चटनी एकदम पतला पेस्ट बनेगा, क्योंकि उतना पतला पेस्ट नहीं बनता है तो फिर चटनी का उतना मजा नहीं आता। तो एक साथ ही डाल के बनाएंगे ना तो उतना पेस्ट पतला नहीं होता है, ऐसे करती हूँ ना तो मतलब पेस्ट बहुत पतला रहता है उसका। वैसे सिलबट्टा का तो चटनी ज़्यादा अच्छा होता है।
मैं नहीं रखी हूँ सिलवटा, गांव में ही सिर्फ। लब्बा यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ। अभी प्याज कितना महंगा हो गया, 60 रुपए केजी हो गया है। इस बार आलू और प्याज का दाम घट ही नहीं रहा है। मुंबई में तो यहाँ इसको कांदा बोलते हैं, बिहार में प्याज। ये दाल पीस के रखी थी, नमक हल्दी डाली, हरी मिर्ची। मिर्ची मैं थोड़ा ही देती हूँ क्योंकि बाबू को भी पसंद है ना, दो ही दी हूँ। इसी का भजिया बना के अभी समीक्षा कर ना, क्या हुआ कि दूध बिस्किट खाई और मैंने बनाना शेक बनाया था वो, और नीचे प्रसाद भी मिला था तो सिर्फ मीठा मीठा हो गया। तो बोलती कुछ अच्छा चीज चटपटा चाहिए, तो मैं यही भजिया अभी दूंगी खाने के लिए, और देखती हूँ टाइम रहेगा तो यही भजिया में ना रस डाल दूंगी, ग्रेवी बना दूंगी। तो ग्रेवी के लिए मैं दो प्याज और थोड़ा लहसुन और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और एक तो मिक्स सब्जी मसाला है वो डालूंगी। तो अभी से भजिया बना के रखूंगी और ग्रेवी और चावल में थोड़ा लेट से बनाऊंगी, क्योंकि ग्रेवी बना रहेगा ना तो क्या होगा कि अभी जाएंगे विसर्जन में तो बहुत लेट हो जाएगा ना, तो फिर आके थक जाऊंगी तो नहीं बनाने का मन रहेगा। तो ये बना ग्रेवी रहेगा ना तो फिर सिर्फ रोटी बना लूंगी तो हो जाएगा, क्योंकि रात में तो मान आपको रोटी दूध खाता है और सिर्फ मैं और समीक्षा ही रहती है। वैसे भी ये ग्रेवी वाला सब्जी बहुत कम ही खाता है, ऐसे आलू वालू फ्राई कर देती हूँ तो ही खाते है। और समीक्षा को ग्रेवी चाहिए, इसको फ्राई चाहिए, मैं तो कंफ्यूज रहती हूँ दोनों के लिए। अभी ये दोनों, अभी इसका फ्राई मतलब भजिया तो बहुत पसंद है, दोनों खाते हैं। भजिया मानव को भी पसंद है और समीक्षा को भी पसंद है, और बनता भी है, बेसन का भी अच्छा लगता है, लेकिन ये दाल पीस के जो बनाती हूँ ना इसका टेस्ट ही अलग रहता है, बहुत अच्छा, मुझे भी अच्छा लगता है। मम्मा मम्मा बगर बगक बगग क्योंकि मैं पहले सोची कि थोड़ा ही होगा लेकिन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ग्रेवी बना लूंगी। दाल में अंदाज नहीं लगता है, पीसने के बाद पता चलता है कि कितना बेटर बना। अभी समीक्षा के जो लेके जाऊंगी देखिए कितना खुश हो जाएगी, उसको लगा कि सुबह से मीठा मीठा खा के उसको पढ़ाई करने बिठाई थी, उसका 20 से एग्जाम है, देखिए कितना खुश हो गई। इसको देख के माना भी प्लेट लेके आया कि प्लेट में दो, फिर मैं उसको प्लेट में दी, वो चटनी नहीं खाता है ना। दोनों खा रहे हैं कितने प्यार से, मन खुश हो जाता है, कुछ बनाइए आपके बच्चे खा ले ना तो मन खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा दादा ये कितना परेशान कर रहे हैं, चलो चलो चलते नित्य ते सुसु गुण विशेष विशिष्टायाम शुभ पुण्य ते, तो आपका नाम बोलो, आपका गोत्र बोलो, बोलिए मम सकुटुंब से।